Hi there, my name is Muskan, and you are watching Knowledge as Code. So today in this video, we will uh, complete a uh, folk theatre, जो हम जो uh, है वो read कर रहे थे English literature में. इसके हमने दो parts cover कर लिए हैं. इसके दो parts और बचते हैं. तो हम इसको जो है वो एक part हम uh, इस video में cover करेंगे और second part हम जो है दूसरे video में cover करेंगे. सो so, अगर आप लोगों को इसकी पी डी एफ चाहिए होंगी बुक की सो आई विल सेंड पी डी एफ ऑन टेलीग्राम टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको चैनल uh, से भी मिल जाएगा या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप वहाँ से जो है इसका पी डी एफ ले सकते हैं सो एवरी वन बिफोर आई विल स्टार्ट द चैप्टर आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट यू पीपल हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल Uh, so that सो दैट मैनी पीपल to the channel. So let us start. स्टार्ट सो यहाँ तक हमने जो है uh, किया था बीट्स to denote the साधू okay. सो so, हमने वेशभूषा की बात की थी कि स्वांग में किस तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं तो उससे आगे हम करते हैं ये मुरारी शर्मा also gives a अ of ऑफ centers सेंटर्स ऑफ बांटना इन past. नगरूठा विलेज देवदार माजवाड किपाड़ सियारी मलवाना बदसू बथिंडा गुरग्रीन मोवी सेरी महादेव एंड जयदेव इन मंडी एंड करसोग पंगना इन सुकेत तो ये कुछ सेंटर्स बताए गए हैं जहाँ पे जो आपका जो बांटना है दैट वाज बीइंग परफॉर्मड सो ईच सेंटर हैड इट्स ओन सिग्नेचर स्टाइल सो जो हर सेंटर है इनका अपना सिग्नेचर स्टाइल है राइट इवन दो द स्टॉक ऑफ स्वानग वाज सेम Uh, स्वांग सेम था लेकिन स्टाइल थोड़ा सा कहीं कहीं डिफरेंट था राइट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी बांटना क्लोज टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म सो बीसवीं शताब्दी के अंत तक जो बांटना है वो अपने ओरिजिनल ही स्वरूप में ही था जो कि परफॉर्म किया जाता था दो और तीन विलेजेस में टू तो और थ्री विलेज में इन द विज ऑफ मलवाना एंड माजवाड इट यूज़ टू बी परफॉर्म्ड ऑन द ईव ऑफ दिवाली एंड ऑन द इवनिंग ऑफ भाईदूज तो ये जो दो विलेज हैं आपके मलवाना एंड uh, माजवाड यहाँ पे जो है बाटना वो परफॉर्म किया जाता था दिवाली की शाम को या फिर भाईदूज को राइट ट्रडिशनली बाटना वॉज परफॉर्म्ड द होल नाइट दो बट वॉज लेटर कंडेंस्ड एंड परफॉर्म्ड फॉर फाइव टू सिक्स आवर्स क्या होता था कि ट्रडिशनली क्या होता था बांटना जो है पूरी रात परफॉर्म किया जाता था राइट आ, लोग जो है वो पार्टिसिपेट काफ़ी करते थे तो पूरी रात चल रहा था बट लेटर क्या हुआ कि ये पाँच से छः घंटों में ही जो है ये होने लगा राइट टुडे बांटना इज़ ऑल बट एक्सटिंक्ट इन इट्स ट्रेडिशनल फॉर्म कहते हैं कि आज जो बांटना है वो जो उसका ओरिजिनल जो वास्तविक स्वरूप है उससे बिल्कुल ख़त्म हो गया है एक्सटिंक्ट हो गया है

Uh, उनके द्वारा किए जाते थे लाइक सम गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा एन के द्वारा ताकि वो लोगों में जो है सामाजिक uh, या फिर समाज uh, से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर हेल्थ अवेयरनेस है उसको जो है वो बता सके इजी मैनर में या फिर uh, पर्यावरण की कोई कंजर्वेशन uh, की कोई बात है या फिर uh, शिक्षा से रिलेटेड कोई uh, बात है तो उसको जो है वो स्वांग के जरिए बताते थे राइट truncated uh, varieties of swang also begin to be performed on streets and on the formal stages such as international mahashivratri fair at mandi this bhatna was transported to an urban setting a formal stage and an audience which was not familiar with the context of form in these new settings bhatna was telescoped both in terms of time and form and sometimes its इरेवरेंट ह्यूमर कॉज मिस अंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ कल्चरल अन अवेयरनेस तो क्या कहते हैं कि जो स्वांग है वो जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट हो गए आपके स्ट्रीट्स में गलियों में या फिर फॉर्मल स्टेज है उस पर जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि का जो मेला है जो कि मंडी में लगता है वैसे बाँटना जो है वो शहरी आ, श, शहर की ओर जो है वो आ, मतलब ट्रांसपोर्ट होने लगा फॉर्मल स्टेज में उनको परफॉर्म किया जाने लगा एंड वो ऑडियंस कौन हुआ करती जो अनफेमिलियर थी राइट right? जिनको नहीं पता था ऑडियंस वो हुआ, हुआ करती थी उनको भी लग गया पता अच्छा अच्छा इस तरह का इंटरनेशनल महाराष्ट्र सॉरी महाशिवरात्रि फेर मंडी में होता है आज तो आज तो सभी जानते हैं राइट सो इन दिस न्यू सेटिंग में क्या था कि जो बांटना है वो टाइम के साथ साथ जो है वो अर्बन सेटिंग्स की तरफ चलेगा और क्योंकि लोगों को इसकी ओरिजिनल फॉर्म के बारे में पता नहीं था कुछ चीज़ें वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते थे तो उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते थे राइट तो ये कल्चरल अन अवेयरनेस की वजह से क्योंकि उनको कल्चर के बारे में पता नहीं होता था अब जितनी ऑडियंस देख रही होंगी किसी भी परफॉर्मेंस को ऐसा तो है नहीं कि जो ऑडियंस है वो कल्चर से वाकिफ होंगे राइट सो कल्चरल अनअवेयरनेस की वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी जो है वो क्रिएट हो जाती थी ये राइटर का कहना है नाउ टू क्वेश्चन अराइज बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वन वर बांटना शुड बी परफॉर्म्ड ऑन सच प्लेटफॉर्म एट ऑल एंड सेकेंड वदर दिस ऑल फॉर्म कैन बी प्रॉपरली टर्म्ड बांटना अब राइटर कहते हैं कि इससे दो क्वेश्चन आते हैं पहला ये कि बांटना इन तरह के स्टेजों पर वो परफॉर्म किया जाना चाहिए दूसरा ये कि क्या um, इस तरह का जो थोड़ा सा इसमें बांटना में जो मॉडिफिकेशन हो गई है उसको हम बांटना कह सकते हैं क्या राइट right? ये दो क्वेश्चन मैनी स्कॉलर्स होल्ड द व्यू दैट दिज प्रजेंटेशन कैन नॉट बी टर्म बांटना इन द फुल सेंस ऑफ द टर्म इवन दो द दैक्टर्स आर टेकिन फ्राम स्वंगजेस पैटर्न ऑफ बांटना इज फॉलोड अब बहुत सारी जो स्कॉलर्स हैं राइट वो डू मैनी रिसर्च वो नो अबाउट द कल्चर उनका क्या कहना है कि नहीं भाई इसे टोटली हम बांटना नहीं, right? uh, नहीं कह सकते राइट ऑल दो करेक्टर्स एंड स्वांग से लिए गए हैं बट इसको टोटली हम बांटना नहीं कह सकते द एंड एक्टमेंट ऑन द फॉर्मल स्टेज दे सी आर इन द नेचर ऑफ स्टेरिकल स्कर्ट्स दैट फोकस ऑन स्टार एंड ह्यूमर एंड ऑफन दे होली क्लाइमिनेट दरे रंग एंड ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क कहते हैं कि जो uh, इस तरह के जो एक्ट होते हैं फॉर्मल स्टेज पे राइट right? वो क्या बताते हैं कि दे टॉक्स अबाउट नेचर ऑफ स्टेरिकल स्कर्ट्स वो ह्यूमर uh, एक मजाकिया तौर पर होते हैं किसी का मजाक बनाते हैं राइट दे फोकस ऑन ह्यूमर एंड देर कॉस्ट्यूम एंड गेटअप आर ऑल्सो सम वट डिफरेंट फ्राम द ट्रेडिशन बिकॉज दे आर रिसोर्सड फॉर कन्वीनियंस फ्राम द मार्केट रादर दैन फॉर्मल मटेरियल अब कहते हैं कि जो कॉस्ट्यूम uh, जो गेटअप उनका होता है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट जो मार्केट में अवेलेबल है वो यूज़ करते हैं राइट right? वो कोई ट्रेडिशनल मटेरियल नहीं होता है कि जो मतलब लोकली होता था पहले बांधना में वो नहीं होता मार्केट में जो आज अवेलेबल है वही होता है सो वी कांट टर्म्ड इट टोटली बांटना इन अर्बन एंड सॉरी इन अर्बन एंड स्टेज सेटिंग प्लास्टिक मास्क सिंथेटिक फैब्रिक एंड सन ग्लासेस टेक्स द प्लेस फ्लैक्स ओल्ड क्लोथ्स आश एंड मेरी गोल्ड फ्लावर्स अब देखें क्या कह रहा है कि अर्बन सेटिंग अर्बन स्टेजेस में क्या होता है जो फॉर्मल स्टेजेस होते हैं लोग प्लास्टिक के मास्क लगाते हैं सिंथेटिक uh, जो फैब्रिक है उसका यूज़ करते हैं सन ग्लासेज का यूज़ करते हैं किसकी जगह पे राइट ओल्ड क्लोथ्स की जगह में फ्लैक्स की जगह में मैरी के जो फ्लावर है उनकी जगह में हावेवर इट शुड बी नोटि दैट easily available masks like the ones found in villages melas were also often used by the village banna artist कहते हैं कि ये भी नोट किया जा सकता है कि जो विलेज में भी मास्क अवेलेबल होते थे वो भी जो है बाना आर्टिस्ट के द्वारा यूज आ, मतलब यूज किए जाते हैं कमल शर्मा नोटेड थिएटर आर्टिस्ट होल्ड द व्यू दैट द स्टेज हैज ओंट डिसिप्लिन इन अ स्टेज देर मे बी अटन डिसकनेक्ट बिटवीन ऑडियंस एंडीज अब जो कमल शर्मा हैं ही वॉज अ थिएटर आर्टिस्ट ही हैज़ अ व्यू वो अपने विचार रखते हैं कि जो आर्टिस्ट है राइट ही देज देर वेज दे हैज देयर विसिप्लिन सो इसीलिए uh, जो है एक डिसकनेक्ट रहता है ऑडियंस और स्वांगीज के बीच में द ऑडियंस इन थिएटर इज़ नॉट एज इंटेंसली पार्टिसिपेटिव एज द वन इन द दिलेज जिस तरह से लोग जिस तरह का इंटरेस्ट जो है वो विलेज में लेते हैं बांटना का उस तरह का जो है वो थिएटर में ऑडियंस नहीं लेती है राइट थिएटर में तो लोग क्या होते हैं दे हैव टू सी मूवीज सम टुडे सम जो जोक्स है जो ये कॉमेडी का नया ट्रेंड चला है ये तो थिएटर में तो लोग ये देखना पसंद करेंगे राइट right? विलेजेस में जो लोग हैं वो ज़्यादा एंगेज होते थे राइट right? क्योंकि विलेजेस में थिएटर तो होते ही नहीं है द मकैनिक्स ऑफ अ थिएटर लिमिट द सिटिंग ऑफ स्पेक्टेटर्स टू द फ्रंट रादर देन अराउंड द परफॉर्मर एंड दिस रिस्टिक द इज मोमेंट ऑफ स्वानगीज फ्रॉम द स्टेज टू द ऑडियंस अब कहते हैं कि द मैकेनिक ऑफ द थिएटर लिमिट अब थिएटर में क्या होता है दे आर द दर्टन सीट्स लिमिटेड सीट्स होंगी एंड वो जो है वो स्टेज के ऑपोजिट होंगी राइट ऑडियंस स्टेज के ऑपोजिट बैठे होंगी और जो स्वांगीज है वो कहाँ होंगे स्टेज पे होंगे तो गांव में तो क्या होता है स्वांगीज बीच बीच में होंगे और अरे परे उनके लोग होंगे ऐसा गोला जैसा बनाया होगा वहाँ पे स्टेज तो मतलब अब होता है पहले नहीं होता था तो उस तरह से जो है जो स्वांगीज, जो परफॉर्मर जो आर्टिस्ट थे उनको जो है ऑडियंस में जाना इजी होता था अब स्टेज से नीचे तक आने में तो टाइम लगेगा ही व्यक्ति को इसीलिए एक कहा था इन्होंने फ़र्स्ट में कि देयर इज़ डिसकनेक्ट बिटवीन स्वांगीज एंड ऑडियंस Whereas traditionally the Swangis mingled freely with people. अब देखो कि traditionally क्या होता था? Swangis आराम से mingled, आराम से जो है वो मतलब घुल मिल जाते थे freely जो है वो लोगों के साथ, right? Nevertheless, Kamla Sharma, Kamal Sharma, sorry, uh, also sees the formal stage of bantna as a natural progression, where the form is

कमल शर्मा ऑल्सो सी फॉर्मल स्टेज ऑफ बांटना एज अ नेचुरल प्रोग्रेशन देखती हैं वो कि ठीक है वक्त के साथ चेंजेस तो मतलब परिवर्तन है प्रकृति का परिवर्तन है इट्स असेंशियल फॉर्म राइट एंड थोड़ा बहुत जो है वो स्टाइल जो है प्रेजेंटेशन का वो बदल गया है कॉस्ट्यूम uh, के अकॉर्डिंग बदल गया है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बदल गया है थोड़ा सा प्लेटफॉर्म भी चेंज हो गया है एंड कहते हैं कि वक्त के साथ जो है ये रिस्पॉन्स है भाई परिवर्तन का ठीक है ओम पाल शर्मा थिएटर आर्टिस्ट हैं ये भी इज़ वन ऑफ द कन्वर्स व्यू एंड बिलीव दिज स्टारिक परफॉर्मेंस ओनली मिमिक द स्टाइल ऑफ बांटना आर फार रिमूव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल अब ओम पाल शर्मा का कहना है ही वॉज अ थिएटर आर्टिस्ट ही हैज़ दिस व्यू दैट जो स्टारिक परफॉर्मस है एट द टाइम दे ओनली मेमिक जो है बांटना का स्टाइल वो मेमिक करते हैं ओरिजिनल स्टाइल वॉज टोटली डिफरेंट वो बहुत दूर रह गए थे उससे ही फोकसेज ऑन द फैक्ट दैट विलेज विज ऑफन हैड बांटना एंड खरियाला परफॉर्म्ड एज फुलफिलमेंट ऑफ मन्नत और थैंक्स गिविंग टू गॉड्स फॉर ग्रांटिंग स्पेसिफिक फ्रेयर्स उन्होंने ही फोकस वो तोज्जो देते हैं या फिर वो ध्यान केंद्रित करते हैं आप कहते हैं कि आ, कह सकते हैं कि विलेजर्स जो है वो बांटना जो और जो करियाला है वो परफॉर्म करते थे अपनी आ, मन्नत को जो है पूरी करने के लिए राइट या फिर ईश्वर को जो है धन्यवाद देने के लिए दिस देव कार्य और डिवाइन एस्पेक्ट ऑफ फॉर्म ही बिलीव सेट इट अपार्ट फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ स्टैरिक ड्रामा उनको लगता है कि ये देव कार्य है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस स्टैरिक ड्रामा राइट नारायण दास इन बांटना नाथ ऑल्सो स्टेट्स दैट इट इज एन ईजी वे टू फाइंड मुक्ति फॉर द मासिस नारायण दास जो कि बाटना नाथ इसी स्टोरीज में वी टॉक्ड फर्स्टली अबाउट हिमोल्स हो सो उनका कहना है कि भाई ये जो लोग हैं उनकी मुक्ति के लिए वो एक ईजी वे है राइट right? मोक्ष प्राप्त करने के लिए the transposition of bhavana to stages scholars feel may result in the uprooting of form the religious aspect anchors the style within a specific framework and message of enactment from corruption to women safety is grounded in people faith in receiving but कहते हैं कि जो ट्रांसपोजिशन है बांटना का स्टेज की तरफ राइट स्कॉलर ये फील करते हैं ये अनुभव करते हैं वो उसका जो रिजल्ट है दैट इज इन अपरूटिंग फॉर्म रिलीजियस जो एस्पेक्ट है दैट द एंकर्सायर विद इन स्पेसिफिक फ्रेम्स राइट यू कैन गो बिय लिमिट्स एंड उसमें जो मैसेज क्या देते हैं करप्शन किस तरह से हो रहा है वुमन सेफ्टी के बारे में बात करते हैं राइट दिस इज डिफिकल्ट टू इवोक इन ऑडियंस डेट अनएक्वेंटेड विद द कल्चर ऑफ कंटेक्सट और बांटना ये डिफ़िकल्ट है ऑडियंस में इवोक करना राइट अन विद द कल्चर ऑफ कॉन्टेक्सट ऑफ बांटना सो इसको आप एसोसिएट नहीं कर सकते बांठना के साथ ये राइटर का कहना है आफ्टर द इनिशियल एडोरेशन एंड रिक्वेस्ट फॉर ब्लेसिंग्स ऑफ टेटी रेडिकुल विद एंड डबल डायलॉग्स अब इन बांटना कहते हैं कि आफ्टर द इनिशियल एडोरेशन एंड रिक्वेस्ट फॉर द ब्लैसिंग्स ऑफ डेटी डे के ब्लैसिंग्स के लिए रीति रिवाज के लिए है ना डबल एज डायलॉग्स के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं दीज आर अबाउंड इन दिबांठना द शिफ्ट इन डेमोग्राफी ऑफ ऑडियंस मेक्स दिस एस्पेक्ट फ्रॉट विद पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ऑफेंस जो डेमोग्राफिक जो लोगों में ऑडियंस में जो कहते हैं कि जो शिफ्ट हुआ है राइट right? इसकी वजह से जो है मिस अंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट हो जाती है अमंग द पीपल एंड ऑफेंसेस टेक प्लेस दस द स्पेस ऑफ इरेवरेंस इज एनक्रोश्ड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेज

Performances they lack the essential experience of villages Bhatna. Taking to Bhatna the real experience of village that has been, you know, somewhere lagged, somewhere left behind. Nevertheless, the stage version of Bhatna is an adequate medium of expressing or module public opinion and of the environment. कहते हैं कि अच्छा वर्जन है बांटना भी वेर यू कैन एक्सप्रेस यू नो डिफरेंट थिंग्स टू द ऑडियंस यू कैन शेयर योर ओपिनियन राइट एंड यू कैन हैव एंटरटेनमेंट एज वेल वाइल इनिशियल दिस थिएटर हैल्ड अ मैसेज फॉर किंग एंड अथॉरिटीज़ पहले जो मैसेज है बांटना के थ्रू किस को जाता राजाओं को अथॉरिटीज़ को नाउट टोटली वी हैव ऑडियंस हमारे पास कॉमन पीपल है द न्यू फॉर्म होल्ड्स अ मैसेज फॉर मास्स एंड लीडरशिप ऑफ द डे अब यही कहते हैं कि जो नया फॉर्म है बांटना का वो मैसेज किसको देगा मासस को लोगों को लीडरशिप ऑफ द डे जो लोग हैं नेता हैं आज के उनको दे रहा है राइट सच एडेप्टेशन वर इजली ब्राउट अबाउट बिकॉज डाइवर्जेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द फॉर्म विच वॉज़ फ्लैक्सिबल एंड वेरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आप कहते हैं कि इस तरह का जो एडेप्टेसन हुआ है दैट वॉज ईजिली ब्राउड ईजिली जो है इसमें आ गया है क्योंकि देर वॉज अ डाइवर्जेंस है ना डायवर्सिटी बहुत ज़्यादा है पीपल आर फ्ल फ्लैक्सीबल एंड थिंग वेरीज प्लेस टू प्लेस द डाइवर्स परफॉर्मेंस रिफ्लेक्टेड द डाइनमिज्म ऑफ ओवरऑल ट्रेडिशन जो अलग अलग विभिन्न परफॉर्मेंसेस हो रही है वो दिखाती है कि किस तरह का ओरल जो ट्रेडिशन है दैट इज़ आल्सो डाइवर्स राइट सेम नहीं है हर जगह हर जगह अलग अलग ट्रेडिशन है विच प्रोवाइड डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड लेट टू सोशल अंडरस्टैंडिंग हर एस्पेक्ट इज़ डिफरेंट राइट हर व्यक्ति की थिंकिंग अलग है जो कि एक डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग देती है किसी भी सोशल इशू पे at the same time diminishing of traditional and the popularity of contemporary style has resulted in the relegation of the former and steady erosion of customary practices ab ye kehte hain ki at the time क्या हो रहा है कि जो traditional चीज़ें हैं वो diminish हो रही है ख़त्म हो रही है और जो contemporary style है जो समकालीन जो चीज़ें हैं उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है और देर इज़ अ शिफ्ट राइट रेलीगेशन मीन्स थिंग्स आर शिफ्टिंग राइट जो कस्टमरी जो प्रैक्टिसेस है उनका इरोजन हो रहा है इरोजन मतलब वो भी ख़त्म हो रही है

So, it gives us a chance to respect the culture of each other, right? And um, it shows unity as well. Just say, India hai, cultural diversity, bahut zyada hai, religious diversity, bahut zyada hai, thoughts, mein diversity bahut zyada hai, but still, we are united together. Hai na? Cultural diversity just gives us a chance that we understand each other's culture. वी रिस्पेक्ट इच अदर कल्चर कहने का ये मतलब है इसमें एंड दैट्स वेयर वी हैव अ यूनिटी इट सेलिब्रेट्स द वेरिएशन इन ईडम मैटफर एंड नरेटिव ऑफ एन आर्ट फॉर्म कहते हैं कि जो विभिन्नताएँ ये किसमें सेलिब्रेट uh, करता है इडम में मेटर में नरेटिव में आर्ट फॉर्म में यथ द सॉयल हैज़ इट्स वन फ्लेवर एंड सर्टन प्लाट्स विल ओनली ग्रो इन नेटिव सॉयल एंड नॉट एल्स वेयर अब कहते हैं कि इसीलिए मिट्टी की अपनी ही खुशबू है वन फ्लेवर अप अपने जो आ, फ्लेवर हैं हर मिट्टी है, हर जगह राइट हर कोई जो प्लांट है वो हर किसी मिट्टी में नहीं उगता है आ, किसी भी पौधे को उगने के लिए उसके नेटिव सॉइल की ज़रूरत होती है राइट वो कहीं और नहीं उगेगा जोग्राफिकली सिम्बोलिज्म इज विटाल आल इम्पॉर्टेंट टू फोक आर्ट पार्टनर इज ऑल्सो रूटेड इन इंडिजीनियस फिजिकल एंड सोशल इन्वामेंट एंड कल्चर कहते कि जो बांधना है वो डीपली रूटेड है किस में इंडिजीनियस फिज़िकल एंड सोशल इन्वामेंट एंड कल्चर में दस इट मे बी इम्पॉसिबल टू ट्रांसप्लांट बांधना इन इट्स ट्रू फॉर्म सो इसको टोटली totally अपरूट कर देना टोटली totally ट्रांसफॉर्म कर देना ये डिफ़िकल्ट है भाई हाउ एवर इट्स ब्रांचज कैन रीच फर्दर इन दिस टाइम वन एवर पॉसिबल बट कहते इसकी जो शाखाएँ हैं वो जो है दे कैन रीच फर्दर अ टाइम्स राइट देन एवर पॉसिबल सो आज का जो ये वीडियो है हम यहीं तक रखते हैं बाकी इससे आगे जो है वो हम दूसरे पार्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे ऑफिशियली एफर्ट्स ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर, आ, करेंगे यहाँ से आगे सो फॉर टुडे दैट्स ऑल फॉर फॉर आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो इट uh, Uh, जो ये वीडियो बनाना है मेरा ये थोड़ा बहुत सफल हो रहा हो आपको समझ आ रही हूँ उस इसको बनाने का मकसद यही है सो आई एम डूइंग सम हार्ड वर्क फॉर यू पीपल प्लीज़ डू सम हार्डवर्क टू मी एज वेल शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स है ना उनको भी रेकमेंड करें सो दैट जो ये चैनल है इट कैन रीच टू मैनी पीपल दे ऑल्सो गॉट बेनिफिट फ्रॉम दिस सो अगर आप कहीं थोड़ा भी समझ में आ गया है तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को सो फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे दैट्स ऑल फॉर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर